हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो गाइस आज मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक नया सा वीडियो स्पेशली कुलगाम वालों के लिए है, क्योंकि आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं मेन टाउन कुलगाम। एक्चुअली मैं शुपेन था और शुपेन से मुझे अनंतनाग जाना है, क्योंकि मैं वहां रहता हूं, तो मैंने सोचा मैं कुलगाम से होते हुए जाऊंगा और साथ साथ मैं कुलगाम टाउन जो है वो एक्सप्लोर करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, तो बड़ा मजा आने वाला है। तो गाइस फिर चलते हैं और लेट्स गो फॉर द व्लॉग, और बड़ा मजा आने वाला है, आज हम देखेंगे मेन टाउन कुलगाम, तो लेट्स गो। वाओ बड़ा मजा आ रहा है यार, ओहो सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, ओ तू मेरा रोज। तो गाइस ये है मिरहामा गांव और यहां से हम शुरू करेंगे और जाएंगे हम कुलगाम की तरफ। ये हम जा रहे हैं कुलगाम की तरफ, आई थिंक अभी हम सवलगाम पहुंचने वाले हैं। सवलगाम यहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो गाइस ये रहा सवलगाम कुलगाम, देख लो जी यही है सवलगाम, मेन सवलगाम यही है। ओ भाई क्या कर रहा है, ये देखो जी ये है मेन मार्केट कुलगाम का, मेन टाउन जो कुलगाम का है यही है, ये देख लो जी। वाओ बहुत अच्छा है यार, बहुत मस्त है। ये है जी अच्छा मार्केट है, ठीक ठाक। और गाइस जो ये लेफ्ट कट आ रहा है, यहां से डीसी ऑफिस कुलगाम है लेफ्ट कट से। और यहाँ पे एक ज़ियारत है सईद सिमनानी साहब, काफ़ी मशहूर ज़ियारत है सईद सिमनानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की। और मैं आपको बताऊंगा अगर आपको जाना होगा तो, जहाँ पे मैं हूँ और यहाँ से अगर आप देख रहे हो, यहाँ से राइट कट जाता है, जहाँ से गाड़ी आ गई तो यहीं से आप जाओगे, इसको अस्तान बाज़ार भी बोलते हैं और अस्तान गली भी बोलते हैं, और यहाँ से आप सईद सिमनानी साहब की ज़ियारत पर जा सकते हो। तो अभी मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ गया तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा बनेगा, और इसलिए
फिलहाल मैं मार्केट ही एक्सप्लोर करूंगा। ये लो जी, बहुत मस्त मार्केट है यार। सही है भाई। घंटाघर के पास बिल्कुल हूं मैं, अगर आप दूर से देख सकते हो घंटाघर नजर आ रहा होगा आपको। ये देख लो जी, वो देख लो जी घंटाघर, ये है घंटाघर कुलगाम। और यहाँ पे आपको दो कट मिलेंगे, अगर आप सीधा जाओगे तो अनंतनाग, अगर आप राइट कट लोगे तो काजीगुंड। और इसको देख लो जी, तो फिलहाल मैं राइट कट ले रहा हूं। देखो अगर आप सीधा जाओगे तो अनंतनाग कुलगाम अनंतनाग रूट है ये, और यहां से जहां से मैंने कट लिया, और यहां से आप काजीगुंड भी जा सकते हो, अनंतनाग भी जा सकते हो, और इस रूट से आप अनंतनाग भी जा सकते हो, देवसर भी जा सकते हो, पहलू भी जा सकते हो, और काजीगुंड भी जा सकते हो। और इस रूट का नाम है हॉस्पिटल रोड। ये जो रोड है ये हॉस्पिटल रोड है एक्चुअली, और इसी रोड पे हॉस्पिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो इसी रूट पे है। अगर आप अनंतनाग से आते हो तो घंटाघर से आपको लेफ्ट लेना है, अगर आप शुपियन चौलगाम से आते हो तो घंटाघर से आपको राइट लेना है हॉस्पिटल जाने के लिए। खुदा ना खास्ता अगर आपको कभी हॉस्पिटल जाना पड़े तो इसी रूट पे है। ये इस रूट पे ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस एक लोता हॉस्पिटल है और फ्रूट एंड सब्जी मंडी है इस रूट पे, ज्यादा कुछ खास नहीं इस रूट पे। देख लो जी, ये जो है यही है फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी कुलगाम की, ये जो आपको दिख रहा है। और अभी मैं पहुंचने वाला हूं जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का हॉस्पिटल है, बिल्कुल हम वहीं पे पहुंच गए, आप देख सकते हो ये है जी। देखो यहाँ से आपको अगर काजीगुंड जाना हो तो यही से आपको जाना होगा, और अगर आपको देवसर जाना होगा तो यही से जाना होगा, यही रूट है, और ये रूट सीधा आपको कनेक्ट करेगा NH 44 के साथ, ये रूट। और अब यही तक था ये मार्केट, आगे कुछ खास नहीं है, तो आई थिंक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज का व्लॉग। और
ये था मेरा आज का व्लॉग, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। तो गाइज मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जो मेन टाउन कुलगाम है बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली जो कुलगाम है वो पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ज़्यादा समय नहीं हुआ, आई थिंक 7-8 साल हो गए हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट और काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। मेन टाउन जो कुलगाम है बहुत अच्छा है, वो मार्केट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो गाइज इंशाल्लाह मिलते हैं अब किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टाटा एंड बाय बाय। चल भाग चले कहिया, जहाँ रात कटे वहिया, एक साथ पले हाला।